वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ का डिटेल स्टडी किया था एंड उस पर हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज का डिटेल में स्टडी करेंगे एंड फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। सो इन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल चेंजेस ड्यू टू द सेवरल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, स्ट्रेन, ह्यूमिडिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड लिक्विड लेवल एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो भी रेजिस्टेंस है मटेरियल का, ठीक है, वो चेंज होता है। यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स दिए, टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, स्ट्रेन की वजह से चेंज हो सकता है, ह्यूमिडिटी, ओके, जो एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी उसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है मटेरियल का, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट या लिक्विड लेवल। ठीक है, तो ये अलग अलग फैक्टर्स है जिस पे रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड है। सो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इज पॉसिबल बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज़ का जो हम मेजरमेंट लेंगे, ठीक है, तो वो हमें रेजिस्टेंस की वजह से मिलेगा। ठीक है, सो मेजरेबल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस वेरी फ्रॉम फ्यू मिली ओम्स टू हंड्रेड ऑफ मेगा ओम्स। ठीक है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज मेजर इन ओम, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। सो द मेजरेबल वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस बाय फाइंडिंग दिस प्रॉपर्टीज आर फ्रॉम मिली ओम टू द मेगा ओम, दैट इज द रेंज ऑफ रेजिस्टेंस। सो डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस रेंज दैट इज मिली ओम टू द टेन ऑफ ओहम और टेन ऑफ ओहम टू द हंड्रेड ऑफ ओहम्स और हंड्रेड ऑफ ओहम टू द मेगा ओम एक्सेट्रा। सो वेरियस मेथड्स आर यूज फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे वेरियस मेथड्स दिए गए हैं। ठीक है, विल स्टडी वन बाय वन। सो व्हीटस्टोन ब्रिज इज द वन ऑफ द मेथड फ्रॉम दैट। सो व्हीटस्टोन ब्रिज इज जनरली यूज टू फाइंड द मेजर और रेजिस्टेंस इन द रेंज फ्रॉम टेन ऑफ ओहम्स टू द हंड्रेड ऑफ ओहम्स। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जनरली यूज होता है रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए एंड द रेंज ऑफ दैट रेजिस्टेंस इज फ्रॉम द 10 ओम टू द 100 ऑफ ओम्स। सो दिस व्हीटस्टोन ब्रिज वॉज ओरिजिनली डेवलप बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन इन 1802 टू 1875 टू मेजर द वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो इन्वेंट किया था चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 1802 से लेके 1875 के बीच में। ठीक है, टू फाइंड और टू मेजर द वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। सो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कैलिब्रेटिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक वोल्टमीटर एंड एमीटर। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड जो यूज़ किया जाता है कैलिब्रेशन पर्पज़ के लिए, मीन्स द करेक्शन पर्पज़ फॉर द इंस्ट्रूमेंट लाइक वोल्टमीटर एंड एमीटर। तो वोल्टमीटर एंड एमीटर में जो कैलिब्रेशन होता है वोल्टेज का और करंट का, ठीक है, तो उस पर इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो वो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए या मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ किया जाता है। सो इन व्हीटस्टोन ब्रिज देर आर फोर रेजिस्टेंसेस, नेमली पी, क्यू, आर एंड एस आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ओके, एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पे फोर रेजिस्टेंस है पी, क्यू, आर, एस, दे आर कनेक्टेड इन क्वाड्रिलेटरल फैशन लाइक दैट, विल सी इन द फिगर, ओके, एंड दैट इज़ अ ए बी सी डी इज द नेम गिवन टू दैट क्वाड्रिलेटरल एंड अ बैटरी ऑफ ई एम एफ ई अलॉन्ग विद द की के इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी, ओके। तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दिया है, ई मीन्स दैट इज अ पावर सप्लाई इज कनेक्टेड एंड ऑल्सो की के इज कनेक्टेड जस्ट लाइक अ बटन टू ऑन एंड ऑफ द दिस बैटरी सो दैट द ए एंड सी सच दैट ए इज़ द हायर पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू सी। सो यहाँ पे पॉइंट ए जो है वो हायर पोटेंशियल पे एज कम्पेयर टू द पॉइंट सी। सो अ गैल्वेनोमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस जी इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, ओके, तो जिसका रेजिस्टेंस जो है जी है इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज़ कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट बी एंड डी। ठीक है, तो ये सब हम फिगर में देखते हैं। सो हियर द सर्किट डायग्राम फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज इज गिवन हियर, ओके।
So in that P, Q, R, S are the four resistors are connected in quadrilateral fashion like that. Okay, in the four arms of the Wheatstone bridge. So that is arm 1, arm 2, arm 3 and arm 4. Okay, and power supply or the battery E volt is connected to supply the power to this circuit, and key K is connected to on off this power supply. Okay, and यहाँ पे पॉइंट बी एंड डी में गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज अ जी. ठीक है, एंड दिस इज द करंट आई दैट कैन बी फ्लो थ्रू द दिस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट. ओके, देन वील स्टडी द वर्किंग ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज. सो व्हेन की के इज क्लोज करंट आई फ्लोज थ्रू द सर्किट. ठीक है, तो जैसे जो की के वो क्लोज होगा, ठीक है, मीन्स ऑन होगा. ओके, सो एट दैट टाइम द करंट आई विच इज़ द टोटल करंट ऑफ द सर्किट विल बी फ्लो थ्रू द सर्किट. सो इट डिवाइड्स इनटू द आई वन एंड आई टू एट पॉइंट ए. ठीक है, तो पॉइंट ए जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट है टोटल, इट इज़ स्प्लिट अप इनटू द टू पार्ट्स आई वन एंड आई टू एट द पॉइंट ए. And I1 is the current flowing through P and I2 is the current flowing through S. ठीक है, तो यहाँ पे हमने अलग अलग रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, तो P में से जो करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस P में से, सो दैट इज़ I1, एंड रेजिस्टेंस S में से जो करंट फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड एज अ I2. द करंट I1 गेट डिवाइडेड एट द पॉइंट B. सो लेट IG इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. ठीक है, जो पॉइंट B एंड D में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड एज अ आई जी. सो लेट आई जी इज करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. सो द करंट फ्लोइंग थ्रू क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली आई वन माइनस आई जी एंड आई वन प्लस आई जी. तो रिमेनिंग जो टू रेजिस्टेंस दैट इज क्यू एंड आर, द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस क्यू इज दिस आई वन माइनस आई जी एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर इज आई वन प्लस आई जी. ओके, सो फ्रॉम फिगर वी कैन नो दैट द टोटल करंट आई इज स्प्लिट इन टू द टू पार्ट्स आई वन एंड आई टू. सो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू कॉल्ड एज इक्वेशन एज अ वन. देन कंसिडर द लूप ए बी डी ए अप्लाइंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन क्लॉकवाइज सेंस एंड वील नोट द इक्वेशन. जैसे हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टडी किया था, ठीक है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस एंड करंट एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो हम यहाँ पे ए बी डी ए जो लूप है उसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड फाइंड द इक्वेशन. इट विल बी अ माइनस आई वन पी वन दैट इज द करंट एंड रेजिस्टेंस. सो माइनस आई जी इंटू जी प्लस आई टू इंटू एस इज इक्वल टू जीरो. सो इट इज इक्वेशन नंबर टू. So when key K is closed, the current is flowing through the circuit. Okay, so I1 is the total current flowing through the circuit. So this I1 at point A is split up into the two part. First one is I1 and second one will be the I2. That's why we know I is equal to I1 plus I2. So it is the current I is the summation of this I1 and I2 because it is split into the two path from this point A. Again, for this Q, this current I1 is nothing but this I1 minus IG. Okay, because at that point, both the currents are leaving by using the KCL, Kirchhoff current law. Okay, so this I1 and minus IG is there, that is the current for Q. And for resistance R, it will be a I2 plus IG. Okay, because this current I2 is flowing at this point, so this I2 plus IG is the current for this resistance R. उसके बाद हमने KVL अप्लाई किया लूप A B D A, so that is the closed loop. Okay, so the first pair of current and resistances this minus I1 P1, ठीक है,
क्योंकि हमने जो करंट का डायरेक्शन अज्यूम किया था, ठीक है, क्लॉकवाइज, एंड सेम डायरेक्शन में करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो दोनों भी सेम है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग द निगेटिव साइन ईयर, ठीक है, देन इट इज माइनस आई वन पी, सेकेंड वन विल बी द माइनस आई जी इंटू जी, दैट इज द गैल्वेनोमीटर करंट, प्लस थर्ड वन आई टू इंटू दिस एस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। देन नाउ वी कंसिडर द लूप बी सी डी बी, ठीक है, तो सेकेंड जो लूप है बी सी डी एंड देन बी, सो अप्लाई द के वी एल इन द क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्लॉकवाइज सेंस में अप्लाई करेंगे के वी एल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, देन राइट द इक्वेशन फॉर फर्स्ट क्यू, इट विल बी अ माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, सो दैट इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, देन प्लस आर इंटू आई टू प्लस आई जी प्लस आई जी इंटू जी, ओके, सो दैट इज द क्लॉकवाइज लूप इज इक्वल टू जीरो, सो दैट इज द इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। तो इसी तरह से हमने दो लूप में यहाँ पे केवीएल अप्लाई किया है, ए बी डी ए देन बी सी डी बी, ओके, एंड वी आर कैलकुलेटिंग द टू इक्वेशंस, दैट इज इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री। सो बाय यूजिंग दिस थ्री इक्वेशन, इक्वेशन वन टू एंड थ्री, वी कैन फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द एनी ब्रांच ऑफ द सर्किट, ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करके हम फाइंड करेंगे करंट। सो हियर अ स्पेशल केस ऑकर्स व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेशल केस आ सकता है जब करंट जो रहेगा गैल्वेनोमीटर में वो जीरो रहेगा, सो इन दिस केस द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, ठीक है, तो जब भी गैल्वेनोमीटर शो करेगा जीरो करंट, ओके, सो इन दैट केस वी कैन से दैट गैल्वेनोमीटर इज इन बैलेंस कंडीशन, सो कंडीशन फॉर बैलेंस इज आई जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो जब भी जो करंट आई जी है वो जीरो रहेगा गैल्वेनोमीटर का, सो वी कैन से दैट द विस्टम ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, ओके, सो दिस कंडीशन कैन बी ऑब्टेन बाय एडजस्टिंग द वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है, तो ये जो कंडीशन है व्हेन आई जी इज इक्वल टू जीरो दैट कैन बी ऑब्टेन बाय पुटिंग दिस रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस टू द बैलेंसिंग कंडीशन, ओके, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस आई जी इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री, ठीक है, तो आई जी का वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया दोनों लूप के लिए जीरो, ठीक है, देन वी आर गेटिंग फर्स्ट इक्वेशन एज माइनस आई वन पी प्लस आई टू एस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि हमने आई जी का वैल्यू पुटअप कर दिया है, ठीक है, तो आई जी का टर्म जीरो हो जाएगा उसमें, देयर फोर दिस आई वन पी इज इक्वल टू आई टू एस, ठीक है, तो ये आई वन पी को हम यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर किया है, ठीक है, सेकंड जो इक्वेशन है जिसमें हम आई जी का वैल्यू जीरो करेंगे सेकंड लूप का, देन इट इज़ आई वन माइनस आई वन क्यू प्लस आई टू आर, बिकॉज थर्ड जो टर्म है आई जी का वो जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, सो इट इज़ आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू आर, सो वी आर गेटिंग द अगेन टू इक्वेशन, सो डिवाइडिंग द इक्वेशन दिस 9.6 विद द 9.7 वी गेट, ठीक है, तो पी डिवाइड बाय क्यू इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर, यहाँ पे हमने सिंपली 9.6 से 9.7 को डिवाइड किया है, सो वी गेट पी बाय क्यू इज इक्वल टू एस बाय आर, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, तो ये कंडीशन है बैलेंसिंग करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी बैलेंस होगा देन गैल्वेनोमीटर शोज द जीरो करंट, मीन्स आई जी इज इक्वल टू जीरो, इसलिए हमने यहाँ पे आई जी का वैल्यू जीरो पुट किया है फॉर बैलेंसिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज, सो इफ एनी थ्री रेजिस्टेंस इन द ब्रिज आर नोन द फोर्थ रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन 9.8, ठीक है, तो यहाँ पे अगर फोर रेजिस्टेंस कनेक्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है, एंड उसमें से थ्री रेजिस्टेंस अगर हमें नोन है जिनका वैल्यू हमें पता है, ठीक है, तो जो फोर्थ रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो उसका अननोन वैल्यू हम यहाँ पे
फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन पी बाई क्यू इज इक्वल टू एस बाय आर. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विच इज यूज फॉर मेजरिंग द अननोन रेजिस्टेंस. ठीक है, तो अभी हम इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो यर एग्जाम्पल इज गिवन. सो इन दैट एट वॉट वैल्यू शुड बी द वेरिएबल रजिस्टर वी सेट सच दैट व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस. तो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो एट व्हाट वैल्यू द ब्रिज शुड बी अ बैलेंस कंडीशन. ठीक है, इफ़ द सोर्स वोल्टेज इज 30 वोल्ट. ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स वोल्टेज जो है या बैटरी वोल्टेज है वो यहाँ पे 30 वोल्ट दिया है. फाइंड द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई. ठीक है, तो एक्स वाई जो टर्मिनल है, ठीक है, उसके अक्रॉस हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करना, दैट इज़ वी आउट व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस. ठीक है, तो जब भी ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा सो एक्स वाई पॉइंट में जो आउटपुट वोल्टेज है वी आउट, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, एंड वेरिएबल रेजिस्टर का वैल्यू हमें फाइंड करना है फॉर द बैलेंस कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिए हुए फिगर में. ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 4th रेजिस्टेंस दैट इज़ क्यू विच इज़ वेरिएबल, मीन्स जिसे हम वेरी कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको वेरी करके हमें बैलेंस करना है ब्रिज को. ठीक है, एंड जब ब्रिज बैलेंस होगा मीन्स गैल्वेनोमीटर विल शो द 0 रीडिंग. सो एट दैट टाइम वी कैन से दैट ब्रिज विल बी अ बैलेंस कंडीशन. ठीक है, और हमें वहाँ पर वी आउट को फाइंड आउट करना है. ओके, सो यहाँ फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, 30 वोल्ट जो है वो सप्लाई है या बैटरी कनेक्टेड है सर्किट में. ठीक है, दैट इज ई, करंट आई इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. हियर 3 रेजिस्टेंसेज आर गिवन. पी इज़ अ 1.36 किलो ओम. नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज 300 ओम. अनदर रेजिस्टेंस इज 4.4 किलो ओम. एंड द 4th रेजिस्टेंस इज द क्यू. ठीक है, तो जिसे हमें कैलकुलेट करना है विच इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. ठीक है, एंड बी डी टर्मिनल में यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लिया हुआ है, दैट इज़ वी आउट. ठीक है, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है. जब भी हमें 3 रेजिस्टेंसेज दिए हुए, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द 4th रेजिस्टेंस, सो वी यूज़ द फॉर्मूला पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस, वेयर दिस पी क्यू आर एस आर नथिंग बट द रेजिस्टेंसेज विच आर कनेक्टेड इन द व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, सो हमें यहाँ पे क्यू फाइंड करना है, तो हमने इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया इन टर्म्स ऑफ क्यू. सो देयरफॉर दिस क्यू इज इक्वल टू पी एस डिवाइड बाय आर. ठीक है, तो पी यहाँ पे शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में, सो इट विल बी अ पी इंटू एस डिवाइड बाय आर. ठीक है, सो दैट इज द इक्वेशन फॉर द क्यू. ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे पी एस एंड आर के वैल्यूज ऑलरेडी दिए. ठीक है, तो इजीली यहाँ पे क्यू कैलकुलेट होगा क्योंकि 3 रेजिस्टेंसेस यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए. ठीक है, सो द फर्स्ट रेजिस्टेंस पी इज दिस 1.36 इंटू 10^3 किलो मीन्स 10^3. ओके, सेकंड रेजिस्टेंस इज द एस, द वैल्यू ऑफ एस इज गिवन, दैट इज 4.4 किलो ओम, दैट इज 4.4 इंटू 10^3 डिवाइड बाय आर. सो द वैल्यू ऑफ दिस आर इज नथिंग बट द 300 ओम विच इज गिवन. सो देन वी कैलकुलेट इट, सो वील गेट द वैल्यू 19.94 इंटू 10^3, दैट इज 19.94 किलो ओम. 10^3 इज मीन्स के, दैट इज किलो ओम. सो दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है आर्म का. देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस ए डी सी आर्म विल बी द एडिशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस क्यू एंड दिस रेजिस्टेंस आर. ओके, तो दोनों का वैल्यू हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. सो द वैल्यू ऑफ क्यू इज 19940. ठीक है, तो हमने इसको ओम में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, प्लस दिस विल बी अ 4.4 के. ठीक है, तो इसको भी हमने ओम में कंसिडर कर लिया, दैट इज 4400. ठीक है, दैट इज 4400 ओम इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे. ठीक है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस ए डी सी आर्म, तो उसमें
दो रेजिस्टेंस है क्यू एंड आर इज देयर, सो वी हैव टू ऐड इट. सो द टोटल रेजिस्टेंस विल बी अ 24,340 ओहम. इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. देन वी हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई. ठीक है, हमें ये वी आउट वोल्टेज कैलकुलेट करना है सेकेंड पार्ट में. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी, सो ए एंड सी पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आई वन इंटू दिस रेजिस्टेंस 24,340. ओके, सिंपली ओम्स लॉ आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर एंड वी हैव टू फाइंड दिस वोल्टेज. सो वी नो दैट द करंट आई इज देयर. ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, सो दैट विल बी आई वन इंटू रेजिस्टेंस, जो हमने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया आर्म का, दैट इज 24,340. ठीक है, एंड इज इक्वल टू आई वन इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस. ओके, बिकॉज वोल्टेज इज ऑल्सो गिवन, वोल्टेज यहाँ पे दिया है हमें बैटरी का 30 वोल्ट. ओके, तो इस इक्वेशन को हमने मॉडिफाई कर लिया है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर. ओके, एंड दिस वोल्टेज इज 30, दैट इज द सप्लाई वोल्टेज, एंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इज गिवन, दैट इज 24,340. ठीक है, तो इजीली हम आई वन को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डी. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डी हमें कैलकुलेट करना है, सो दैट इज वी इन टू आई. ओके, एंड दिस आई वन इज द करंट, सो आई आर, सो दिस आई वन इज द करंट एंड आर इज द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस ई डी. ठीक है, तो ई डी में आर में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो क्यू है, जिसका वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, दैट इज 19,940 ओहम इज द रेजिस्टेंस. ठीक है, देन इज इक्वल टू 30 × 19,940 डिवाइडेड बाई 24,340, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म. ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल जाएगा आपका 24.58 वोल्ट. वोल्ट इज द यूनिट ऑफ दिस वोल्टेज. ठीक है, देन आई टू हमें कैलकुलेट करना है, सो आई टू इज इक्वल टू दैट इज वी बाय आर. सो वी इज 30 डिवाइडेड बाय 30 60 प्लस 300. ओके, सो दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 1660 एम्पियर. ओके, सो दैट इज द करंट आई टू. सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी. ठीक है, तो ए बी जो आर्म है उसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सो विच इज़ नथिंग बट द आई टू इंटू 1360 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 1660 विच इज़ द वैल्यू ऑफ दिस आई टू. ठीक है, तो यहाँ पे आई टू का वैल्यू हमने पुट अप किया है. ठीक है, एंड 1360 इज मल्टीप्लाई टू इट, सो इट विल बी अ 2,458 वोल्ट. सो टोटल वे आउट, दैट इज आउटपुट वोल्टेज, इज नथिंग बट द वोल्टेज एट पॉइंट बी माइनस वोल्टेज एट पॉइंट डी. ओके, तो वी बी जो वोल्टेज है दैट इज वी ए माइनस वी बी, एंड वी डी जो वोल्टेज है दैट इज वी ए माइनस वी डी. सो इट विल बी अ वी ए बी माइनस वी ए डी इज देयर. सो वी ए बी इज कैलकुलेटेड, दैट इज 24.58. ठीक है, तो यहाँ पे हमने वोल्टेज एट पॉइंट ए बी कैलकुलेट किया, दैट इज 24.58, वो यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया है. वी ए डी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, दैट इज 24.58. ठीक है, सो 24.58 माइनस 24.58, सो इट विल बी अ 0 वोल्ट. सो दैट इज द वी आउट, एंड वी कैन से दैट द ब्रिज विल बी इन बैलेंस कंडीशन. ठीक है, तो इसी तरह से हमने अननोन रेजिस्टेंस क्यू को कैलकुलेट किया. ठीक है, विच इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस, एंड उसके बाद हमने जो एक्स वाई आर्म है, ठीक है, जहाँ पे वी आउट दिया हुआ है, ठीक है, तो उसे हमने कैलकुलेट किया है, विच इज़ 0 वोल्ट. ठीक है, तो इसी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज पे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ओनली द वैल्यू विल गेट चेंज, जो रेजिस्टेंस दिए पी क्यू आर एस, ठीक है, तो इनके वैल्यू चेंज होंगे. ठीक है, बाकी प्रोसीजर रिमेन्स द सेम. सो देन विल टेक द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. सो विल सी द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज.
सो इन प्रैक्टिस द सर्किट इज़ यूज इन डिफरेंट मैनर. ठीक है, जो सर्किट हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का देखा, जिसमें पी क्यू आर एस आर द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द व्हीटस्टोन ब्रिज आर्म. ठीक है, सो दैट सर्किट विल बी यूज इन डिफरेंट मैनर. सो इन ऑल केसेस इट इज़ यूज टू डिटरमाइन सम अननोन रेजिस्टेंस. ठीक है, तो जनरली व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए. मीन्स थ्री रेजिस्टेंसेज दिए हुए एंड वी विल कैलकुलेट द फोर्थ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग दिस व्हीटस्टोन ब्रिज. सो फ्यू एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आर सर्किट आर डिस्कस इन फॉलोइंग आर्टिकल. ठीक है, तो जो एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज के वो हमें डिटेल में स्टडी करना है, लाइक मेट्रिक ब्रिज, केल्विन ब्रिज. ठीक है, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. सो जनरली यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो यूज़ किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मेट्रिक ब्रिज का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.